आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूं संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है बिहार से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले मनीष दीक्षित करीब 11 साल पहले बिहार के बच्चों को टेक्नोलॉजी का पाठ पढ़ाने के लिए पटना आए थे, लेकिन आज ये बिहार में कृषि ड्रोन बना रहे हैं। ये सूबे के पहले युवा उद्यमी हैं जो अपना स्टार्टअप का काम ड्रोन के क्षेत्र में कर रहे हैं। अपने 2 साल के सफर में इन्होंने कृषि के क्षेत्र में कई तरह के ड्रोन बनाए हैं, लेकिन हाल ही के समय में ये भारत का पहला स्वदेशी 30 लीटर क्षमता वाला कृषि ड्रोन लॉन्च करने की तैयारी में है। इसके साथ ही टैक्सी ड्रोन बनाने के काम में भी जुटे हुए हैं। आज इनकी कंपनी का मार्केट वैल्यू 100 करोड़ रुपए है। अब इनसे ही सुनते हैं इनकी कहानी, इनकी जुबानी। ये बिहार का हमारा पहला स्टार्टअप है जो बिहार में ही एग्रीकल्चर ड्रोन यहाँ पर बना रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग अलग अलग भी ड्रोन बनाते हैं। हमारा मेन उद्देश्य, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, ज़्यादातर आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। तो हमने लोगों ने देखा कि किसानों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जब वो खेतों में स्प्रे करते हैं, छिड़काव करते हैं। तो खेत में जब जाते हैं तो कई किसान जो होते हैं हमारे, वो सांप के काटने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उनको सामना करना पड़ता है। कई किसान तो अपनी जान गंवा देते हैं। इसके अलावा केमिकल्स से भी उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए हमारी कंपनी 2022 में हमने अपना ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्टअप शुरू किया बिहार में, जिसे बिहार सरकार के द्वारा सीड फंड भी प्राप्त हुआ 10 लाख रुपए का। इसके साथ साथ भारत सरकार के द्वारा 50 लाख का फंड भी हमें प्राप्त हुआ। और हम किसानों को, ये हमारा जो है ये 10 लीटर एग्रीकल्चर ड्रोन है जो अभी हम लोग किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ सर्विसेज भी दे रहे हैं। इसके माध्यम से अभी हम 10,000 से ज़्यादा किसानों को, बिहार के 2-3 हज़ार किसानों को हमने अभी तक सर्विसेज दे चुके हैं। इसके अलावा बिहार में हमारे कई जगह पर ड्रोन सेल्स भी हुए हैं। साथ साथ भारत के 7 विभिन्न राज्यों में भी हम सर्विसेज भी दे रहे हैं और साथ में सेल भी कर रहे हैं। आज हमारा 8 महीने की जर्नी के दौरान ही हमारी कंपनी के पास मोर देन 32 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। आने वाले समय में ये ड्रोन आपको बता देगा किस फसल में क्या बीमारी है। अभी भी बता रहा है, लेकिन अभी इसका डिमांड नहीं है उतना, तो अभी हमने वो सर्विस इनेबल नहीं की है। और क्या क्या होने वाला है छोटा सा, हाँ बताइए। अभी हम लोग ड्रोन में जैसे कि मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा के साथ हम लोग फसल की बीमारी भी बता देंगे, पानी की कमी है वो सब बता, सारी बीमारियों की जानकारी आपको इसी से बता देंगे, कहाँ दवाई की जरूरत है वो भी बता देगा। ड्रोन पूरा तरह से कृषि वैज्ञानिक की तरह काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आधुनिक खेती, प्रिसीजन फार्मिंग इसी को कहा जाता है। ये आपको कृषि की पूरी जानकारी दे देगा कि आपके पौधे में पानी की कितनी मात्रा है, कितनी मात्रा की आवश्यकता सही होती है, उतना डालना चाहिए आपको, कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई डालनी, ये भी बता देगा आपको, और कहाँ दवाई डालनी है, कहाँ नहीं डालनी, वो भी। कब तक आप ला रहे हैं बिहार? ये हम लोग जल्द से जल्द, अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 महीने के अंदर हम लोग इस टेक्नोलॉजी को भी लॉन्च करके यहाँ पर सर्विसेज देना शुरू करेंगे। आज 50 से 60 करोड़ की कंपनी आपने खड़ा कर, आज अगर दोनों कंपनियों को जोड़ लें तो 100 करोड़ से ऊपर की वैल्यू है। क्या बात है। और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूँगा यहाँ पर जो लोग मुझे मिले, बहुत आदमी कहता है बाहर में, बहुत सारे स्टेट्स में मैंने सुना है बिहार बिहार ये गलत, ये हर जगह गलत और सही इंसान होते हैं। आपको अच्छे इंसान मिलेंगे तो आप सफलताओं की नई ऊंचाइयों पर छूओगे। तो मैं यही कहूँगा कि बिहार के जितने भी युवा हैं और बिहार के जितने भी किसान हैं, नई तकनीक का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके दूसरे जगह तक उन चीज़ों को पहुँचाएं, ताकि कोई ये ना कह सके कि बिहार पिछड़ा है। बिहार अग्रणी हो चुका है और आने वाले समय में बिहार आगे आकर पूरे देश में सर्विसेज देगा। ये थी मनीष दीक्षित की प्रेरणादायक कहानी। ऐसी ही कहानियों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।